नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेर और आज मैं आया हूं हुआवे के इवेंट में, जहां पे कंपनी ने अपने दो नए फोन्स शोकेस किए हैं, हुआवे P30 Pro और हुआवे P30 Lite। हुआवे P30 Pro के बारे में हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उसका हम फर्स्ट इंप्रेशन भी आपके सामने लेके आ चुके हैं और उसका सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus से कंपैरिजन भी आपको दिखा चुके हैं। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है हुआवे P30 Lite, जो कि बहुत ही शानदार दिखने वाला स्मार्टफोन है। काफ़ी कम रेंज में कंपनी ने इसे फ़ोन को इंडिया में लॉन्च किया है, बहुत कम रेंज में नहीं। इसकी शुरुआती कीमत है 19,990 रुपये, अगर आप इसका 6GB रैम वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत है 22,990 रुपये। पर आप देख सकते हैं कि 22,990 और 19,990 रुपये में ये फ़ोन आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस फोन में खास। सबसे पहले हम इस फोन की लुक्स की बात कर लेते हैं, तो डिस्प्ले ही देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको वाटर ड्रॉप शेप का एक नॉच मिल जाता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है जिससे आप अपनी कॉल सुन पाएंगे। इसके साथ साथ डिस्प्ले बहुत ही शानदार है, 6.15 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि प्रोटेक्शन इसके डिस्प्ले पे कौन सी है वो कंपनी ने मेंशन नहीं की, पर आई एम श्योर कि प्रोटेक्शन जरूर दी गई होगी, इतने एक्सपेंसिव प्राइस को बिना प्रोटेक्शन के तो कंपनी लॉन्च एनीवे वैसे भी नहीं करने वाली। इसके साथ साथ अगर हम डिजाइन पे देखें तो पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है, बैक पैनल पर ग्लास फिनिश दी गई है, नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 3.5 ऑडियो जैक है, स्पीकर ग्रिल है और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इसका ये सिम ट्रे मिल जाता है। वहीं राइट साइड पे आप पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर की मिल जाएंगी। ओवरऑल फोन का डिजाइन बहुत शानदार है, बहुत ही लाइट वेट स्मार्टफोन है और काफी स्लीक भी है, और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पे है, बैक साइड पे ट्रिपोडेट कैमरा भी इसके आपको मिल जाएंगे। बात करें इसके इंटरनल्स की तो सबसे पहले प्रोसेसर बता देता हूँ आपको, इसमें आपको मिलता है कंपनी का खुद का किरिन 710 चिपसेट, जो कि आप हुआवे और ऑनर के दूसरे स्मार्टफोन्स में देख चुके हैं, मीडियोकर रेंज का चिपसेट है और परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी डिसेंट है। इस चिपसेट को हम ऑलरेडी दूसरे स्मार्टफोन्स में भी टेस्ट कर चुके हैं। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, यानी 4GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज और 6GB रैम के साथ भी 128GB की इसमें इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वही हम बात करें इस कैमरास की तो कैमरास से आप बहुत इंप्रेस होंगे, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलते हैं, 24+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें एक सेंसर जो है यानी 24 मेगापिक्सल वाला वो प्राइमरी है और 8 मेगापिक्सल वाला सेंसर जो है वो वाइड एंगल फोकस क्लिक करता है, जबकि 2 मेगापिक्सल जो सेंसर है वो इसके बोके इफेक्ट के काम आता है। तो चलिए आपको मैं एक बार छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ इसका, यहाँ पर मैं आपको एक आधी इसकी फोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। शटर स्पीड बहुत ही फास्ट है और काफ़ी धूप है उसके बावजूद भी ठीक ठाक फोटो खींच रहा है। फिलहाल ये फर्स्ट इंप्रेशन है तो इसलिए अभी जजमेंट नहीं दे पाएंगे फोटोग्राफी पे। इसके अलावा मैं आपको इसका वीडियो मोड दिखा देता हूँ, तो बैक कैमरा से आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे इस कैमरा में। वहीं फोटो में जो वाइड मोड दिया है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक रेगुलर फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका रेगुलर मोड है और ये इसका वाइड एंगल मोड, काफ़ी वाइड है, आप अच्छी खासी डिटेलिंग कैप्चर कर सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं और इधर भी वॉल आ गई है, तो काफ़ी कुछ कैप्चर करने को आपको मिल जाएगा अगर आप वाइड एंगल का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर दिया है, तो रेजोल्यूशन तो ज़्यादा है ही और क्वालिटी भी आप जानते ही, हुआवे फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छे मुहैया करवाता है और इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही फ्रंट कैमरा दिया है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट में भी AI मोड है और आपको AR लेंस, नाइट मोड जैसे कुछ फीचर मिल जाते हैं। वहीं फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी अगर हम चेक करें तो फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 3340 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड पाई दिया गया है, जिसपे EMUI वर्जन 9 कंपनी ने दिया है। फिलहाल मेरे पास जो अभी मॉडल है उसमें 4GB की रैम दी गई है। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि स्पेक्स काफ़ी डिसेंट है, 19,990 रुपये में कंपनी फ़ोन लेके आई है और काफ़ी डिसेंट स्पेक्स के साथ कंपनी ने इसे पेश किया है। पर एनीवे अगर आप इस फोन के बारे में और जानकारी चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको रिव्यू दिखाऊं या फिर किसी और फोन से कंपैरिजन दिखाऊं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।